फैमिली अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे मेरी यूट्यूब फैमिली? तो गुड मॉर्निंग, अभी बज रहे हैं सुबह के 6:45 यानी कि 5:45, और मैं अभी बनाने वाली हूँ सुजान के लिए लंच यानी कि टिफ़िन बॉक्स। में उसे क्या देना, वही दिमाग में कुछ सूझ ही नहीं रहा, लेकिन आज मैं उसे टिफ़िन सैंडविच के नाम पर मैं उसे क्या देने वाली हूँ वो देख लीजिए आप, और मैं अभी बना कर दिखाती हूँ आप लोगों को, तो बने रहिए पूरे वीडियो में। सो हे गाइस, आज सुबह सुबह सुजान के लंच बॉक्स यानी टिफ़िन बॉक्स में मुझे क्या डालना कुछ सूझ ही नहीं रहा था, तो घर में ब्रेड के स्लाइसेस पड़े थे, तो मैंने सोचा कि चलो उसी से कुछ बना लेती हूँ, कुछ नया, कुछ डिफरेंट। तो मैंने सोचा कि सैंडविच बना लूँ, तो तवा सैंडविच बना रही हूँ मैं आज, और उसमें कुछ खास नहीं डाल रही हूँ, ना पनीर है ना कुछ वेज है, तो मैं बस आलू की टिक्की से इसे इस सैंडविच को तैयार कर रही हूँ, और तवे में सेक कर मैं उसे टिफ़िन में दे दूँगी। तो ये देखिए, आलू की टिक्की मैंने पहले से तैयार करके रखी थी, इसका रीयूज़ भी कर ले रही हूँ मैं ताकि ये वेस्ट ना हो। तो ये देखिए, मैंने पूरे ब्रेड के स्लाइस पे मैंने इसे स्प्रेड कर दिया है आलू की टिक्की को, और इसी तरह जितने भी सैंडविच बनाने हैं, मैंने 3-4 सैंडविचेस तैयार कर किया है। तो जब आलू की टिक्की को मैंने स्प्रेड कर लिया ब्रेड के ऊपर, अब मैं इसमें डालूंगी सॉस, टोमेटो सॉस, तो बहुत यमी बनते हैं, आप कभी ट्राई करना इसे। तो ऐसे तो मैंने कभी भी नहीं बनाया, हाँ ब्रेड पकौड़ा बनाया है इस तरह से, लेकिन इस तरह से मैंने सैंडविच कभी भी नहीं बनाया था, तो आज पहली बार ट्राई कर रही हूँ। तो इसे बर्गर की तरह भी खा सकते हो, तो ये बन तो नहीं है लेकिन ब्रेड के स्लाइसेस हैं। तो यहाँ पे मैं अनियन के स्लाइसेस को काट कर रख दे रही हूँ, थोड़े से ग्रीन चिली और धनिया पत्ता से मैं क्रश कर लूँगी इसे, और ऊपर से एक टोमेटो का स्लाइस भी डाल देती हूँ, और इसके ऊपर मैं डालूँगी थोड़ा सा रॉक सॉल्ट यानी कि काला नमक, जो कि इसका टेस्ट बिल्कुल अलग हो जाए। तो अब एक दूसरे ब्रेड के स्लाइस से मैं इसे कवर कर लेती हूँ, और फिर अब इसे तवे में मैंने सेक लेना है। तो मैंने तवे में थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लिया, ज़्यादा ऑयल नहीं देना है क्योंकि ये लंच बॉक्स की बात है, तो उसे हल्का ही ऑयल देकर आप उसे सेक लें। तो ये तवा सैंडविच है इसलिए मैं तवे में बना रही हूँ, बहुत इजीली आप घर पे बना सकते हो उसे। सो गाइज, ये देखिए, तब तक जब तक वो सीख रहा है तब तक मैं एक और स्लाइस तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पे फिर से मैंने आलू की टिक्की स्प्रेड कर लिया है यहाँ पे ब्रेड के ऊपर, और उसके बाद मैं फिर से अनियंस और टोमेटो के स्लाइसेस रख दूँगी, और टोमेटो सॉस से इसे कवर कर दूँगी, और फिर रॉक सॉल्ट, ये टोमेटो के सॉस मैंने यहाँ पे डाल दिए, ज़्यादा इसलिए नहीं डाल रही हूँ कि लंच 2-4 घंटे के बाद ही होता है, उसके उस टाइम तक सॉस जो है ना वो शायद ख़राब भी हो जाए, इसलिए। तो यहाँ पे अनियन के स्लाइसेस, ग्रीन चिली और टोमेटो के स्लाइसेस डालकर मैं इसे फिर से कवर कर लेती हूँ, और इसे फिर से तवे में सेक लेना है। तो इस तरह से आप घर पे बच्चों की टिफ़िन बहुत इजीली बना सकते हो, टाइम भी नहीं है और बस भी आने वाली है सुजैन की। तो ये देखिए, तवे पे सिक चुका है, अब दूसरी तरफ से इसे फ्लिप करके मैं सेक लूँगी। ये देखिए, बहुत ही कितना ब्राउनिश कलर आया, बहुत ही बढ़िया, और खाने में यकीन मानिए उतना ही टेस्टी होगा। तो सुजैन को नहीं पता कि मैं उसके टिफ़िन बॉक्स में यानी लंच बॉक्स में आज क्या दे रही हूँ, उसे उसके लिए सरप्राइज़ होगा जब वो लंच के टाइम में टिफ़िन अपना ओपन करेगी, और खुश हो जाएगी बिल्कुल। रोटी सब्ज़ियाँ तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं, बट ज़बरदस्ती ही खाती, और डेली अगर मैं रोटी सब्ज़ी दूँ तो सारा टिफ़िन वापस ही आएगा, इसलिए मैं उसे कभी कभी चेंज करके ही लंच बॉक्स डालती हूँ मैं उसका, ताकि बच्चे बोर ना हो जाए ऐसे एक ही तरह के खाने के साथ, लंच के साथ। तो देखिए, बीच से मैंने इसे कट कर लिया सेक के, अब मैं इसे टिफ़िन बॉक्स में डालूँगी, और दूसरे ब्रेड को इसी तरह से सेक लेना है फिर से, और सारे ब्रेड के स्लाइसेस कट करके मैं लंच बॉक्स में, क्योंकि ये जो है ना लंच बॉक्स में नहीं आएगा पूरा, तो इस वजह से मैं यहाँ पे इसे कट कर लिया मैंने बीच से सैंडविच की तरह ही, और इसे फॉइल पेपर से मैंने लंच बॉक्स को
कवर कर लिया। और उसके बाद ये देखिए, ये मैं लंच बॉक्स में एक एक करके सैंडविचेस डाल दे रही हूँ। कितनी अच्छी तरह से सीखा है ये, माशाल्लाह। सुजैन खुश हो जाएगी आज का लंच देखकर, क्योंकि डिफरेंट टाइप के लंच देखकर वो बहुत ही खुश होती है। एक तरह के लंच उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं, और उसको लगता है कि उसके फ्रेंड्स सर्कल में उसका क्रेज जो है ना वो बढ़ जाता है ऐसे लंच ले जाके। बच्चे बहुत खुश होते हैं जब कुछ अच्छा लेकर जाते हैं, ताकि उनके फ्रेंड्स उनकी तारीफ़ करते हैं। तो सुजैन आकर बताती कि मम्मा आज मेरे लंच को उसने खाया, या फिर मेरे दोस्तों ने खाया, बहुत पसंद किया। तो मुझे काफ़ी खुशी होती है कि चलो, शेयरिंग वाली आदत जो है सुजैन में वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ऐसे ही बच्चों को सिखाना भी चाहिए कि बच्चे शेयर करें आपस में एक दूसरे की चीज़ें। ये देखिए बनकर ऐसे तैयार हैं सैंडविच पूरे। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो, तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करें, और बताएं कि ये सैंडविच जो आलू टिक्की की तवा सैंडविच है वो आपको कैसे लगी, और आपने घर पे ट्राई करा है या नहीं। और अगर ट्राई करते हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, और बताएं कि कैसे बने हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो सुजैन जब आती है स्कूल से, तो मैं उससे पूछ कर बताती हूँ कि कैसा लगा उसे आज का लंच। Thank you so much for watching. So guys, अभी सुजैन स्कूल जा चुकी है और मैंने घर की सफाई कर ली है, और अब मुझे बनाना है ब्रेकफास्ट जो भी हम लोग घर पे बचे हुए हैं सबके लिए। तो यहाँ पे मैं काट रही हूँ भिंडी, तो आज भिंडी की भुजिया बनानी है मुझे और रोटियाँ। तो ये देखिए, ग्रीन वेज भी खाना हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो ये मैं भिंडी काट रही हूँ, और उसके बाद घर की तो सफाई हो गई है, अब कपड़े भी वॉश करने हैं मुझे, बहुत सारे काम हैं। तो जल्दी जल्दी मैं ब्रेकफास्ट तैयार कर लूँ उसके बाद। सो गाइज, आपको वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर। गुड आफ्टरनून गाइज, कैसे हो आप सब? आई होप के सारे अच्छे होंगे। तो अभी अभी अपना ब्लॉग स्टार्ट कर पाई हूँ मैं, क्योंकि अभी कुछ गेस्ट यानी कि कुछ मेहमान आए हुए थे घर पे, तो उनसे ही बातें हो रही थी, और अब वो जा चुके हैं। तो अभी मैं फ्री हूँ और आप लोगों से ढेर सारी बातें करनी है। तो मैंने सुबह का ब्लॉग थोड़ा सा शूट किया है, वो क्या है, मैं आज सुजैन के लंच बॉक्स में मैंने क्या दिया वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और सैंडविच बना कर दिया है उसे, मेरे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं था, और वो रोटी सब्जी रोज़ रोज़ पसंद भी नहीं करती, इसलिए आज मैंने थोड़ा सा डिफरेंट बनाया था। तो ब्रेड थे घर पे, और मैं बाहर भी नहीं जा पाई कि उसके लिए कुछ लेकर आऊँ, और ना तो उसका पास्ता था ना मैगी, तो कुछ भी नहीं था। तो मैंने ब्रेड से ही उसके लिए तवा सैंडविच बना दिया। और बस कैसा सैंडविच वो मैं बताती हूँ आपको। सैंडविच भी वो भी आलू टिक्का वाला सैंडविच बनाया मैंने उसमें, तो और उसे लंच बॉक्स में डाल दिया। उसे पता भी नहीं कि मैंने उसे आज क्या दिया है, तो पता नहीं खुश होती है या फिर उसका रिएक्शन क्या होता है मुझे नहीं पता। अगर होगा घर आएगी मैं उसे अगर पूछती हूँ तो वीडियो शूट कर पाऊँ तो मैं आपको दिखाऊँगी। सो गाइस, अभी फ्री हो चुकी हैं थोड़ी देर के लिए, अब सुजैन आने ही वाली है, तो सुबह से फिर से, लेकिन बच्चों का तो ख्याल रखना ही पड़ता है ना। सो गाइस, कुछ गेस्ट आए हुए थे हमारे घर पे, अभी वो गए हैं, इसलिए मैं सुबह से कोई भी ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी, बट फाइनली अभी मैं फ्री हो चुकी हूँ, इसलिए आप लोगों से ढेर सारी बातें करनी है, तो मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। तो कैसे हो आप सब? आई होप के सारे अच्छे होंगे। तो गाइस, कितना बोलती हूँ मैं, आप लोगों को भी लगता होगा कितना बोलती है, बकबक करती है, तो ब्लॉग है तो ऑब्वियसली बोलना ही पड़ेगा। तो गाइस, आपको मेरी वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं आप प्लीज़ कॉमेंट में मुझे ज़रूर बताएँ। तो दोस्तों, आज मुझे मुझे बहुत ज़ोरों से प्यास लगी है, और पानी कब से नहीं पिया, इसलिए ये देखिए, ये मैं अपनी बॉटल अपने बेड के ऊपर या फिर कहीं भी रख लेती हूँ, ताकि मुझे जब भी प्यास लगे तो मुझे याद हो कि मुझे पानी ले लेना है। तो पानी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर से हेल्थ से रिलेटेड कई सारे चीज़ें बताऊंगी, जिससे कि आप बिल्कुल खुश रह सको। और पिछला वीडियो भी आपको पसंद आ रहा है, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। तो अभी पानी के लिए, तो एक सेकंड में मैं पानी पी लूँ। सो गाइस, पानी है ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके हेल्थ के लिए,
और अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए तो कम से कम 8 गिलास पानी तो आप डेली सुबह से शाम तक के अंदर रात तक आप ज़रूर पिए, ताकि आपकी बॉडी बिल्कुल हेल्दी बनी रहे। और सुजैन अब थोड़ी देर में आने वाली है और उसके बाद फिर तो उसका हंगामा शुरू शुरू हो जाता है। वो आएगी तो ड्रेस उधर, बैग्स उधर, अपने शूज़ उधर, ये सारी चीज़ें, लेकिन उसको सिखाना पड़ता है। जब बोलती हूँ तभी वो रखती है, नहीं तो उसका रोज़ का आदत है। बट जब उसका दिल करता है ना तो वो सारा कुछ मैनेज करके रखती है। सो गाइज, अभी आज सैटरडे है तो कल संडे है, तो सैटरडे मुझे ना बहुत ज़्यादा ही पसंद है। वीकेंड जो होता है ना मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन लेकर आता है, क्योंकि टेंशन नहीं होती कि दूसरे दिन जल्दी उठना हो ऐसे। तो सुबह उठना अच्छी आदत होती है और मेरी आदत भी है कि मैं जल्दी उठ जाती हूँ। तो लेकिन कम से कम एक दिन अपने लिए भी निकालना चाहिए ना, कि खूब सो, खूब आराम करो, नींद भी काफ़ी ज़रूरी होती है, तभी आपकी बॉडी फिट रहती है। तो मैं वही बताने वाली थी। नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर आपको नींद के बारे में, पानी के बारे में, पढ़ाई के बारे में, एक्सरसाइज के फ़ायदों के बारे में ये सारा कुछ बताने वाली हूँ। अगर आप जानना चाह रहे हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर अपने फीडबैक दें, सॉरी कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मैं वो वीडियो ला कर दूँ या ना दूँ। तो अच्छा लग रहा है आपके व्यूज़ को देख कर कि आप मेरे वीडियोज़ पसंद कर रहे हो और मेरे व्यूअर्स भी बढ़ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर सो मच लव। सो गाइज, अभी सुजान आ जाएगी, मुझे उसे लेने के लिए जाना होता है, क्योंकि वो बस से आती है। और जाने के टाइम तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि बस हमारे घर के पास ही आती है और इधर ही है, तो इधर से सुजान बस में आराम से चली जाती है। लेकिन जब आती है वहाँ तो बस का जो डोर होता है ना उस साइड होता है, और सुजान इधर उतरती है तो मुझे लेने जाना होता है, कि क्योंकि बिजी रोड होता है, बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हैं, तो मुझे उसे लेने जाना होता है। तो मेरी सुजान आएगी, उसके बाद फिर मेरा काम और भी बढ़ जाएगा, उसे खिलाना, क्योंकि आज उसके लिए मैंने सैंडविच बनाकर उसे दिया। कुछ भी नहीं था घर पे आज, तो रोटियां तो वो पसंद ही नहीं करती, और कुछ भी वेजिटेबल्स भी नहीं थे कि मैं उसे अच्छे से कुछ बनाकर देती। तो मैंने क्या किया, सैंडविच बना दिया इजीली, तवा सैंडविच, और वो भी आलू टिक्का वाला सैंडविच, जो कि मुझे समझ में आया जल्दी जल्दी में, मैंने वही कर दिया। तो पता नहीं उसे पसंद आया भी होगा कि नहीं, वो लंच बॉक्स देखने के बाद ही पता चलेगा। तो वो आती है तो मैं लंच बॉक्स दिखाती हूँ आपको। सो गाइज, आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं आप प्लीज़ मुझे कमेंट में आके ज़रूर बताएं। और अभी सुजान आती है तो मैं आपसे मिलती हूँ। गाइज, अभी सुजान आ चुकी है, अपना मास्क तो हटाओ आप, आ चुकी है स्कूल से। अब देखिए ड्रेस व्रेस कैसे सजा के रखती है आज। सुजान के लंच बॉक्स में मैंने जो दिया वो मैं अभी दिखाती हूँ, उसने फिनिश किया या नहीं। सो गाइज, आज सुजान को मैंने जो दिया था वो देखती हूँ, उसने फिनिश किया या नहीं। ये उसका लंच बॉक्स, ये सुजान। देखो सुजान, नहीं खाया तुमने? नहीं खाया? ओह माय गॉड, फिनिश कर लिया तो, वाह। ब्रेड सैंडविच, वो भी आलू टिक्का वाला था ना, तवा सैंडविच था। अच्छा लगा, टेस्टी था, पूरा फिनिश कर लिया, दोस्तों के साथ शेयर भी किया, वेरी गुड। क्या कहा उन्होंने? टेस्टी, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह डेली टिफिन को तुम फिनिश करके आओगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। तो चलो अब खाना खाते हैं। सो गाइज, मिलती हूँ थोड़ी देर में, सुजान को अब भूख लगी होगी।